रहमान, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस मदर टू सन के जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसके एक्सप्लेनेशन को हम जो है पढ़ते हैं। पहले जो स्टैंडर्ड इसमें कहता है, दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय जेम्स मर्सर लॉन्गस्टन ह्यूज। द पोइम एक्सप्लोर द डिग्निटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्सन हु फेसेस प्रॉब्लम। यानी कि ये पोइम उस इंसान की हिम्मत हौसले को यानी कि एक्सप्लोर करता है, वाजह कर जाहिर करता है जिसके सामने मुश्किल आते हैं, बट स्टिल डज नॉट गिव अप, लेकिन वो हार नहीं मानता। ए मदर गिव्स एडवाइस टू हर सन अबाउट द हार्डशिप ऑफ लाइफ। अम्मी अपने बेटे को जिंदगी के मुसाइल के बारे में, मुश्किलात के बारे में बताता है, और फिर इसके साथ साथ वो उसके हौसले भी बढ़ाता है। इनकरेज हिम टू कीप ऑन कंटिन्यू स्ट्रगल विद पैशन एंड होप। उसे बताता है कि आप मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद रखें, यानी कि उम्मीद के साथ, सब्र के साथ, इस्तकामत, इस्तेदात, इस्तकलाल के साथ, तो कहता है कि आपकी कामयाबी ज़रूरी है। उसमें कहता है एक्सप्लेनेशन में, इन दिस पोइम द मदर टेल्स हर सन डेट लाइफ फॉर हर ही वॉज नॉट ए क्लियर एंड स्मूथी वे, इट वॉज फुल ऑफ गैप्स, शार्प स्मेल्स, स्प्लेंटर्स एंड प्लेसेस विदाउट कारपेट, बट डिस्पाइट ऑल दीज अनफेवरेबल सिचुएशन एंड ऑब्स्टिकल्स शी हैज मैनेज टू गो अहेड एंड टू मोर ऑन द वे ऑफ लाइफ। यही बात हमने डिस्कस की, यानी कि वो बताता है कि जिंदगी उनके लिए आसान नहीं है, बावजूद इन मुश्किल के वो अपनी जिंदगी में रवा दवा है, उन चीज़ों को वह उस्ताद के साथ, इस्तकलाल के साथ जो है वो क्या करता है, फेस करता है, और अपने जिंदगी के सफर जो है बावजूद तमाम परेशानियों के वो जारी रखता है। शी हैज प्रेस्ड थ्रू सच प्लेसेस वेयर देयर वाज नो लाइट। उसके बताता है कि बाजी औकात इतना ज्यादा मुश्किल आता है कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, इट वाज कंप्लीट डार्क देयर बट स्टिल शी हैज नॉट लूज करेज, लेकिन उस वक्त भी कहता है कि वो अपने जिंदगी के जो हौसला है वो नहीं उसने जो है वो छोड़ा है। शी इंकरेजेज हर सन टू फॉलो हर फूट स्टेप्स एंड कंटिन्यूस जर्नी। अपने बेटों को कहता है कि वो उसके कदम पे चले, कहता है कि मेरे पीछे, मेरे कदम में, मेरे तरबियत के जो मैंने आपको बताया है, मेरे उसूलों के, रिवायत के मुताबिक चले। कहता है कि हिज जर्नी टूवर्ड हाइट ऑफ सक्सेस डू नॉट सेट ऑन द स्टेप्स। कहता है कि जो जिंदगी की जो मुश्किलात आते हैं उस मुश्किलात में आपने बैठना नहीं, उन मुश्किलात का मुकाबला करना है। इट मींस दैट डू नॉट फील एग्जॉशन, यानी कि आपने जो है वो नाउमीद नहीं होना है। रादर मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, लेकिन जितना मुश्किल होगा उतना आपको खुद को अपने लिए क्या स्ट्रांग बनाना है, आप खुद को मजबूत बनाना है, एंड डिटरमिनेंट गो अहेड, खुद को पुख्ता इरादा, कुव्वत इरादे वाला बनाना है और गो अहेड आगे जाना है। फॉलो हर एंड शी स्टिल इज हेडिंग फॉरवर्ड एंड क्लाइम। देखो कहता है कि मेरा आप मेरे पीछे हो, जिस तरीके से मैंने अब इस उम्र में बुढ़ापे में भी जो अपने जिंदगी के तरफ रवा दवा हूँ, इसी तरह आप जवान हैं मेरे पीछे आते रहे, आपने मुझसे ये करेज, ये हौसला लेना है। तो ये जो है उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट थे मदर टू सन का। तो ये हमारा लेक्चर था।